नेक्स्ट जो है टॉपिक वो किडनी है, और इस चैप्टर में किडनी जो टॉपिक है बेटे वो लॉन्ग का टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव सवालों में आता है हमारे बोर्ड के पेपर में। किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन से मुराद ये कि दो होती हैं। अभी आपने से पहले वाले टॉपिक में इसकी इमेज भी देखी थी कि किडनी दो है, अगर दोबारा देखें तो ये देखें किडनी दो है। और किडनी की शेप कैसी है, बीन शेप है, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है। किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई है, किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई को कहते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इसमें आपको बनी भी नजर आ रही होगी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई होती है जो किडनी को लाकर ब्लड दे रही है और किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। इसके अलावा किडनी में से आपने देखा कि कितनी चीजें किडनी के अंदर आ रही हैं और कितनी चीजें किडनी से बाहर निकल रही हैं। आर्टरी किडनी के अंदर आ रही है, वेन बाहर जा रही है, यूरेटर इसमें से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब किडनी के पास कोई ओपनिंग होती होगी जहां से ये तमाम स्ट्रक्चर्स अंदर और बाहर जा रहे होते होंगे। इस ओपनिंग को कहते हैं हाइलम, इस ओपनिंग को कहते हैं हाइलम या हाइलस। वो ओपनिंग किडनी पे जहां पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर किडनी के अंदर आ रहा है या किडनी से बाहर निकल रहा है। इसके अलावा किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की है किडनी, किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है या डार्क रेड कलर की होती है किडनी। इसके अलावा किडनी जो है ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं हमारे, हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें वर्टिब्रा है 33। इसमें जो थोरेसिक वर्टिब्रा है आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसके लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा T12 से शुरू होती है और उसके नीचे जो वर्टिब्रा है उनको लंबर कहते हैं। लंबर, लंबर LUMBAR, लंबर वर्टिब्रा। थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे जाके किडनी खत्म हो जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किडनी जो है दोनों किडनी एक ही प्लेन पे नहीं है, राइट किडनी जो है वो नीचे है, लेफ्ट किडनी ऊपर है। और मैंने आपको उसका रीजन बता दिया था कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि राइट साइड पे बेटे लीवर है तो वो किडनी को प्रेस करता है नीचे की तरफ। इसके अलावा किडनी का साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है किडनी, 6 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। ये यहाँ पे साइज में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बेटे। इसके अलावा राइट और किडनी, राइट और लेफ्ट किडनी जो है वो इक्वल साइज की नहीं होती। हमारी बुक में तो लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर है, फिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल। इसकी लेंथ अलग अलग होती है, राइट और लेफ्ट किडनी की लेंथ अलग अलग होती है, हमारे पास एक ही लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हर किडनी के ऊपर एक कवरिंग है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम। हर किडनी पे एक कवरिंग है, इस कवरिंग को कहते हैं पेरिटोनियम, कवरिंग को कहते हैं बेटे पेरिटोनियम जो किडनी के ऊपर है। इसके अलावा एक कैप्सूल भी है जो सराउंड करता है किडनी को, फैट से मिलके बना हुआ कैप्सूल होता है, इसको कहते हैं एडिपोस कैप्सूल। एडिपोस कैप्सूल एक फैट से मिलके बना हुआ एक लेयर है जो किडनी को सराउंड कर रही होती है। इसके अलावा हर किडनी के टॉप पर, हर किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड भी रखा हुआ होता है किडनी के बाहर, इस ग्लैंड को कहते हैं एड रीनल ग्लैंड। किडनी के बिल्कुल टॉप पर जैसे कोई इंसान कैप पहन लेता है, सेम उसी तरह से किडनी ने भी एक कैप पहनी हुई है। वो कैप क्या है, ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है एड रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है एडिशन, एड हो जाना, और रीनल से मुराद है किडनी। किडनी को अगर आप अंदर से देखें या बाहर से शुरू करें, अंदर की तरफ जाएं, तो किडनी के ऊपर दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। आउटर रीजन जो है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर रीजन जो है उसको कहते हैं मेड्यूला। किसी भी ऑर्गन, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर रीजन होता है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब होता है आउटर, और किसी भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर का जो इनर रीजन होता है उसको कहते हैं मेड्यूला। अंदर अंदर जो भी चीज है उसको मेडुला कहते हैं आप। जो
कॉर्टेक्स है ये लाइट कलर का होता है, और मेड्यूला जो है वो डार्क कलर का होता है। मेड्यूला में ट्राइंगल शेप, मेड्यूला के अंदर ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं पायरामिड्स। मेड्यूला में ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं पायरामिड्स। ये जो पायरामिड्स हैं ये स्ट्रक्चर हैं जो मेड्यूला के अंदर हैं। इसके अलावा ये कोन शेप या ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर हैं, इन पायरामिड से ही यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटिन्यूअसली गिर रही होती है और एक फनल शेप स्ट्रक्चर में गिर रही होती है। इस फनल शेप स्ट्रक्चर का नाम है पेल्विस। मैंने कहा कि मेडुला में ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर हैं, इनको कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड से ही यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रही होती है एक कप शेप स्ट्रक्चर में, उसका नाम है पेल्विस। और ये पेल्विस पे यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है और यूरेटर इस यूरिन को लेके किडनी से बाहर आ जाता है। इसके अलावा किडनी का जो वेट है वो राइट और लेफ्ट किडनी का वेट बेटे अलग अलग होता है, मेल में अलग है फीमेल में अलग है। मेल में राइट किडनी का वेट जो है वो 141 ग्राम है, और मेल में ही लेफ्ट किडनी का जो वेट है वो 152 ग्राम है। फीमेल में ये वेट कुछ और है, फीमेल में ये वेट कम होते हैं। फीमेल में राइट किडनी जो है इसका वेट 112 ग्राम है, और फीमेल में लेफ्ट किडनी का वेट 124 ग्राम है। तो देखो बेटे मैंने ये वेट लिख दी है आपको ताकि आपको याद रहे। ये जितना भी स्ट्रक्चर था ये किडनी का था। यहां पे आपको इमेज भी मैं दिखा देता हूं बेटे किडनी की। ये रही किडनी की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसमें ये बाहर वाला जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है, इनर रीजन जो है वो मेडुला है। इसके ऊपर एक कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है। इसके अलावा इसमें आर्टरी आ रही है, वेन आ रही है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। यहां से यूरेटर अलाइज हो रहा है, यूरेटर बाहर निकल रहा है, और उसमें ये ट्राइंगल शेप या कोन शेप सेल्स हैं जिनको हम कहते थे पायरामिड्स। इन्हीं पायरामिड से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है पेल्विस में, और पेल्विस जो है वो यूरेटर को देता है, यूरेटर इस यूरिन को लेके बाहर निकल जाता है। अब बेसिक चीज ये कि किडनी में क्या कौन सा सेल है ऐसा या क्या स्ट्रक्चर है ऐसा जो ये सारे काम कर रहा है, यानी कि फिल्टर करा रहा है, यूरिन को बना रहा है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो बेटे नेफ्रॉन है। उसको नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटे वो नेफ्रॉन है। ये कहते हैं एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन, एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो हमें मालूम है कि किडनी तो पेयर्ड ऑर्गन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कितने हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है किडनी के पास। यहां तक की बात थी किडनी के स्ट्रक्चर की, किडनी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो चीज स्टार्ट होगी वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कराना है हमें, नेफ्रॉन।